नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के गया को पिंडदान के लिए सबसे पवित्र भूमि माना गया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, गया को तो मोक्ष नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्राद्ध और तर्पण से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष माना जाता है। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना एक महान और उत्कृष्ट कार्य है। मान्यता के मुताबिक पुत्र का पुत्र तत्व तभी सार्थक माना जाता है जब वो अपने जीवन काल में जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरणोपरांत उनकी मृत्यु तारीख तथा पितृपक्ष में उनका विधिवत श्राद्ध करे। लेकिन कोरोना के कारण बीते एक साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी लहर का दंश के बाद इस बार भी गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है, जिसके बाद एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या इस बार विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन होगा भी या नहीं। हालांकि मेले के आयोजन का आखिरी फैसला सरकार के हाथ में है। इतना ही नहीं, इसको लेकर सरकार को चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। मेले के आयोजन को लेकर श्री विष्णुपद प्रबंधन कारिणी समिति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मेले के आयोजन की अनुमति मांगी है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शंभुलाल विठल और अन्य सदस्यों ने सीएम को ध्यान आकृष्ट कराते हुए पितृपक्ष मेला के धार्मिक पौराणिक महत्व के साथ आर्थिक पक्ष की चर्चा की है। साथ ही कहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गया जिले के लोगों की रोजी रोटी और रोजगार पितृपक्ष मेले से जुड़ी हुई है। हजारों की संख्या में लोगों की आमदनी इस मेले से आती है। इस मेले में आए लोगों के कारण ही उनकी रोजी रोटी चलती है। हर साल विश्वविख्यात विष्णुपद मंदिर में पितृपक्ष मेले के दौरान अपने पूर्वजों के मोक्ष कामना हेतु पिंडदानियों एवं तीर्थयात्रियों का आगमन होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार मोक्ष नगरी गयाजी में आगामी 19 सितंबर से 6 अक्टूबर मेले के आयोजन को लेकर तारीख निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने भी पितृपक्ष मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया हुआ है। हालांकि उन्होंने जारी किए गए चिट्ठी में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की बात भी कही है। शंभुलाल विठल की माने तो गया में पिंडदान का प्रमुख स्थल फल्गु नदी, प्रेतशिला, रामशिला, विष्णुपद और बोधगया है। पिंडदान करने के लिए बहुत बड़ा जगह मौजूद है जहां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग कर्मकांड कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को कोरोना के फैलाव को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार तय कोविड गाइडलाइन का सही पालन कर पितृपक्ष मेले के आयोजन की अनुमति बिना किसी परेशानी के दे सकती है। इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि मेले में शामिल होने वाले पिंडदानी मास्क का प्रयोग करे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट से आने वाले तीर्थयात्रियों के कोरोना जांच के बाद ही जिले में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। यात्रियों के डबल वैक्सीनेशन के बाद ही कर्मकांड की अनुमति दी जाए। पिछले साल की ही बात करें तो कोरोना की पहली लहर के कारण मंदिर के आसपास के सैकड़ों दुकानदारों की रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में अगर इस साल भी कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं किया गया तो इनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, कई दुकानदारों की माली हालत इतनी खराब है कि भुखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार से बार बार इस बात की मांग की जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मेले के आयोजन की अनुमति किसी भी हाल में दी जाए, क्योंकि इस मेले के कारण 200 करोड़ का कारोबार होता है जिस पर सभी लोगों की जिंदगी टिकी होती है, जिसके बाद अब सभी की निगाह सरकार पर टिकी हुई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।